गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल ऑफ। अपनी जो टॉपिक चल रहा था वर्ब वाला, उसमें थर्ड पॉइंट है अपना बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, और वो आज ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट हो चुका है वर्ब वाला, जो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है। स्ट्रेंथ यानी ताकत, है ना, तो वर्ब है ना वो ताकत के अकॉर्डिंग, यानी कि या तो उसकी स्ट्रेंथ वीक होगी या फिर उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी, यही ना। तो ऐसे ही वर्ब की भी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग भी होती है और वीक भी होती है। यस, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ वर्ब्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग वर्ब, सेकेंड इज हेयर वीक वर्ब्स, ऑल्सो देयर नेम इज रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। ओके, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स ऑलवेज कम इन डिफरेंट फॉर्म। अब देखो, इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है ना, तो ये उसी के अकॉर्डिंग आती है। वो कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग, यानी जिनकी तीनों ही डिफरेंट होती है, जैसे गो एंड गोन, राइट रोट रिटन, है ना, सी सा सीन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है कि सी सा सीन, ओके, सी सा सीन, राइट रोट रिटन, है ना। तो ये तीनों ही क्या हैं? डिफरेंट है ना, तो ये कौन सी फॉर्म हुई? स्ट्रॉन्ग फॉर्म। नेक्स्ट है अपना वीक वर्ब्स। वीक वर्ब्स ऑलवेज कम इन लास्ट टू फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो वीक वर्ब्स होती हैं, सॉरी, वीक जो फॉर्म होती हैं, वीक जो फॉर्म होती है वर्ब की, जो यहाँ पे जो फॉर्म आएगा, यहाँ पे जो फॉर्म होती है ऑलवेज कम इन लास्ट टू, यानी लास्ट की जो दो फॉर्म होती हैं वर्ब की, वो क्या होती हैं? वीक होती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे क्लीन क्लींज क्लींज, जैसे प्ले प्लेड प्लेड आता है ना, पी एल ए वाई, फिर पी एल ए वाई ई डी, और फिर पी एल ए वाई ई डी। ओके, तो जिनकी लास्ट की दो इक्वल होती है, या फिर फर्स्ट और लास्ट इक्वल होती है, वो मतलब दो फॉर्म इक्वल होंगी, और फर्स्ट मतलब एक जो है उसके अंदर वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। और स्ट्रॉन्ग में क्या होगा? तीनों ही डिफरेंट होंगी। ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इज ऑल द वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज। जितनी भी वर्ब्स होती है ना, उनकी दो कैटेगरी होती है। ओके, कौन सी कैटेगरी? दो कैटेगरी होती है। कौन सी? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, जो फाइनाइट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? देखो, फाइनाइट वर्ब्स, द फाइनाइट वर्ब्स आर दोज, यानी कि फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो आर यूज्ड इन अकॉर्डेंस टू पर्सन एंड नंबर ऑफ देयर सब्जेक्ट, जो अपने सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यानी जैसे राम प्लेज, है ना, तो अगर आई मैं करूँगी यहाँ पे सब्जेक्ट, तो वो क्या हो जाएगा? प्ले। लेकिन वहाँ राम था तो क्या हो गया? प्लीज। यस ना, आया है नहीं आया? इसका एक एग्जांपल देखो, राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अगर मैं यहाँ ये कह दूँ, अगर मैं यहाँ पर यू लगा दूँ, क्या लगा दूँ यहाँ पे? यू, तो आप क्या करेंगे? यू आर प्लेइंग, ऐसे ही करेंगे ना, यू आर प्लेइंग। तो वो क्या हुआ? वो वाली कौन सी वर्ब हो गई हमारी? फाइनाइट वर्ब। ओके, अब नेक्स्ट है मेरा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। द नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज विच आर नॉट यूज्ड इन अकॉर्डिंग पर्सन एंड नंबर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, यानी कि वो वर्ब जो अपने पर्सन और अपना जो उसका नंबर होता है, उसके जो सब्जेक्ट है, यानी उसके जो पर्सन है, सब्जेक्ट के नंबर है, उसके अकॉर्डिंग नहीं आती है। ओके, यानी कि इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर टू वर्ब का आना नेसेसरी होता है, ठीक है। एक तो वो जो टू वर्ब है आती हैं, तो वो या तो एज ए सब्जेक्ट आ जाएंगी, या फिर एज ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगी, या फिर एज ए प्रीपोजिशन आ जाएंगी। यानी कि जैसे जो वर्ब आएगी ना, उससे पहले आपको टू मिलेगा। कभी कभी ये बिना टू के भी आती हैं, यानी दो वर्बों के बीच में कुछ ऐसी, जैसे कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद ही क्या ले लेती हैं वो, ये प्रीपोजिशन, ये वर्ब ले लेती हैं, जो ये अपनी नॉन फाइनाइट वाली है। ओके, तो ये जो नॉन फाइनाइट वाली है, इसका एग्जांपल दिया है राम लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, राम लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। अब ये देखो आप, राम लाइक्स आया है ना, ये जो लाइक आया है ये भी, और प्लेइंग आया है ये भी, आया ना, तो लाइक्स और प्लेइंग। अब यहाँ पे प्लेइंग है ना, जिसमें आई एन जी लग जाए वो जीरंड होता है, ठीक है, ई डी लग जाए वो पार्टिसिपल होता है, और जो टू के साथ आती हैं वो क्या हो जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। ओके, यानी कि उसको इन्फिनिट बोलते हैं, टू विद टू विदाउट टू, ऐसे जो आती हैं उनको बोलते हैं। ओके,
नेक्स्ट है मेरा नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर थ्री टाइप्स. कितनी टाइप्स की होती हैं? थ्री. फर्स्ट इन्फिनिटिव, टेक टू. देखो इन्फिनिटिव क्या लेते हैं अपने साथ? टू लेते हैं. ये बिना टू के भी आती हैं, कभी कभी बिना टू के भी आ जाती हैं, बट ये क्या लेती हैं? टू आती हैं. नेक्स्ट है पार्टिसिपल, ये है टेक ईडी, यानी अपने साथ क्या लेती है? ये ईडी लेती है, यानी सेकेंड फॉर्म लेती हैं. नेक्स्ट इज जीरेंड. जीरेंड ऑलवेज टेक वर्ब आईएनजी, यानी एक वर्ब के बाद अगर दूसरी वर्ब आ रही है तो वो क्या ले लेती है? आईएनजी ले लेती है. ओके नेक्स्ट इसके एग्जांपल हैं, टू स्विम इज़ वेरी इजी. देखो मैंने अभी बताया था टू स्विम इज़ वेरी, अब दो वर्ब हैं, टू स्विम इज़ वेरी इजी. ओके नेक्स्ट है टू रीड इज़ ए गुड हैबिट. फिर नेक्स्ट देखो आप, आई लाइक टू प्ले, आया ना, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, इसके बीच में क्या है? टू. ओके तो ये क्या है? नॉन फाइनाइट. अभी देखो सीइंग द स्नेक द बॉय रन अवे, सीइंग है ना. नेक्स्ट देखो टीच मी स्विमिंग, अब स्विम के साथ आई एन जी लगा है, अभी मैंने इसको जीरेंड में बताया, आपको बताया ना, ऐसे आई लाइक स्विमिंग. ओके तो ये सारे क्या होती हैं? हमारी वर्ब्स होती हैं. और आज अपना वर्ब का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है. ओके थैंक यू ऑल ऑफ फॉर दिस क्लास.